children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 14 of your EVS book since past few videos. And this chapter is related to animals. I hope you all have seen the previous videos because explanation of this chapter is already done. I have revised the chapter for you and I have started exercise also. And question answers and one word answer we have already completed in previous videos. So in today's video, we will be doing some new exercises. Children, if you have not seen those videos, please go through that so that the chapter is clear to you. Then only you will understand the exercise also. Because for understanding the exercises, for doing the exercises, the chapter should be clear to you. जो भी आपके book में जो chapter में लिखा है उस के अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन की हैं रिलेटेड टू द टॉपिक व्हिच इज गिवन इन योर चैप्टर. उसी टॉपिक पर मैंने बताया है पर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दी हैं. इसलिए गो थ्रू दोज वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज टू. ओके, इन टुडेज वीडियो विल बी डूइंग सम एक्सरसाइजेस ऑफ मैच द कॉलम, सम ऑड वन आउट एंड फ्यू अदर एक्सरसाइजेस आई विल गिव डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी हैव. एंड उससे पहले एक बार हम लेकिन रिविजन कर लेते हैं, झटझट रिविजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा है. ठीक है चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर एज द नेम सेज एनिमल्स, तो हमने इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ा. कौन से एनिमल्स? द एनिमल्स दैट आर अराउंड अस. अराउंड अस मतलब घर के पास नहीं, पूरे जो अर्थ पे जो एनिमल्स हैं उनके उनकी बात हो रही है. टॉपिक एनिमल अराउंड अस है, इसका मतलब ये नहीं कि जो घर के पास हमारे एनिमल्स घूमते हैं सिर्फ हमने उनके बारे में पढ़ा. एनिमल अराउंड अस मतलब हम इस अर्थ पे रहते हैं और हमारे साथ जो एनिमल्स हमारे आसपास इस अर्थ पे जो एनिमल्स रहते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे थे. इस चैप्टर में हमने उसके बारे में पढ़ाई की थी. अराउंड अस का मतलब है इस अर्थ से जो एनिमल्स है उनकी बात हो रही थी. और इसमें तरह तरह के एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा, बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, मिल्च एनिमल, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल एंड बर्ड्स. इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा. इस जो आपके चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज में एनिमल्स के बेबीज और एनिमल्स के होम्स के बारे में भी दिया हुआ है. बट इट इज बट इन द कंटेंट ऑफ द चैप्टर नथिंग इज मेंशन्ड. चैप्टर के कंटेंट में उनके हाउस और उनके बेबीज के बारे में नहीं है कुछ भी, बट एक्सरसाइज में है. तो एक बार हम उसको भी कर लेंगे. व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज विल हैव अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर होम्स. उसको भी हम एक्सरसाइज के एंड में एक बार कर लेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो उसका रिविजन भी जरूरी है. पर उससे पहले जो मैं रिविजन कराना चाह रही हूँ वो है मैच द कॉलम. लेट्स डू मैच द कॉलम ऑफ द चैप्टर. Match the columns. Now children, you have to match column A with column B. Column A और column B को आपको match करना है. कैसे करना है वो अभी हम बता देते हैं. I'm going to write the names of some animals. Dolphin, tortoise, wolf,
मस्केटो है ना। अब ये जो है कुछ एनिमल्स के नाम आपको दिख रहे होंगे कॉलम ए में, डॉल्फिन, टॉर्टस, वुल्फ, काउ, कैट, रैट, ऑस्ट्रिच एंड मस्केटो। नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट द टाइप टू विच दे बिलोंग। नाउ यू हैव टू देन मैच अकॉर्डिंगली। आई राइट हियर ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्चुअली और ऊपर लिखते हैं कि सारा कवर हो जाए। आई थिंक थोड़ा इसमें आ नहीं रहा है। वेट, गैपिंग ज्यादा हो गई, थोड़ा मैं और उसको ऊपर करके लिख देती हूँ। सॉल्व ऊपर कर देते हैं। टॉर्टस, वुल्फ को भी थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। वुल्फ, काउ, कैट, 3, 4, 5, 6 match first column A with column B. Now children, there are two ways of matching. एक तो तरीका होता है line draw करने का, लेकिन थोड़ा सा shabby हो जाते हैं और कभी कभी बहुत मुश्किल होता है पता करना कि किसको किसके साथ match किया है। बहुत काटा पीटी सा दिखने लगता है, बहुत untidy सा दिखता है। So I have told you earlier also, या तो आप इधर वाले एबीसीडी जो लेटर्स हैं उसको यहाँ के साथ मैच कर लीजिए, या फिर 1, 2, 3 को एबीसीडी के साथ मैच कीजिए। करेक्ट वे इस कॉलम को इसके साथ मैच करना, मतलब एबीसीडी वाली चीजों को इस तरफ लिखेंगे। पहले मैं बता देती हूँ यहाँ क्या करना है हमें। फ्लाइटलेस बर्ड, wild animal, then insect, then amphibian, then pet animal, then we have aquatic animal, reptile, then we have domestic animal, rodent. Okay, ये है हमारा कॉलम बी। Now you have to match कॉलम ए with कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज डॉल्फिन। पहला है हमारा डॉल्फिन। Now you have to find out इसमें से किस कैटेगरी को डॉल्फिन बिलोंग करती है। इज इट अ बर्ड? डॉल्फिन पहले तो बर्ड है नहीं, इसलिए तो हो नहीं सकता। इज इट अ वाइल्ड एनिमल? जंगल में रहती है डॉल्फिन? नो। इंसेक्ट, क्या ये इंसेक्ट है? बिल्कुल नहीं। एम्फीबियन है? क्या लैंड पे रह सकती है और वाटर दोनों में रह सकती है डॉल्फिन? नो। क्या डॉल्फिन पेट एनिमल है, इसे हम घर में पाल सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं अपने रूम में? नो। एक्वाटिक एनिमल, क्या डॉल्फिन
पानी में रहते हैं? Yes, dolphin is a aquatic animal. It's an aquatic. It is an aquatic animal. It lives in water. तो ये क्या है? F है. तो हम डॉल्फिन के सामने लिखेंगे F. इस तरह से हम मैच करेंगे. You get it? इसी तरह से मैच करेंगे ताकि हमारा मैचिंग जो है बिल्कुल नीट हो और बिल्कुल काटा पीटी इसमें ना दिखे. लाइंस ड्रॉ करने से बहुत वो अनटाइली सा दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज टॉर्टस. टॉर्टस के बारे में देख लेते हैं. टॉर्टस बर्ड नहीं है, वाइल्ड एनिमल भी नहीं, जंगल में नहीं रहता है, वो एक इंसेक्ट भी नहीं है. सो टॉर्टस क्या एम्फीबियन है? यस, टॉर्टस इज एम्फीबियन. टॉर्टस पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है. इट कैन लिव इन वॉटर एज वेल एज इन एज वेल एज ऑन लैंड. दोनों जगह रह सकता है. तो ये क्या है? एक एम्फीबियन है. तो हम यहां लिखेंगे डी. टॉर्टस के सामने लिखेंगे डी. ठीक है. नेक्स्ट है वुल्फ. वुल्फ क्या है? अगेन वुल्फ बर्ड तो है नहीं, तो फिर क्या है? क्या वो वाइल्ड एनिमल है? यस, वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल. वुल्फ जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है. जंगल में रहता है वुल्फ. ठीक है, वुल्फ जंगल में रहता है. नेक्स्ट इज काउ. काउ बर्ड है नहीं, वाइल्ड एनिमल हमने ऑलरेडी कर लिया है. काउ इंसेक्ट बिल्कुल नहीं है. एम्फीबियन भी हम ऑलरेडी डन. पेट, क्या काउ पेट एनिमल है? हमारे घर के अंदर रहती है, हमारी गोदी में बैठ सकती है? नो, एक्वाटिक एनिमल हम पहले ही कर चुके हैं. डॉल्फिन है. क्या काउ रेप्टाइल है, ऐसे रेंग रेंग की क्रॉल करके चलती है? नहीं. डोमेस्टिक एनिमल है? यस, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. तो यहां हम लिखेंगे एच. क्यों? क्योंकि ये एच है. काउ जो है एक डोमेस्टिक एनिमल, इट्स अ वेरी यूजफुल एनिमल. ठीक है. नेक्स्ट है कैट. कैट भी देख लेते हैं. कैट बर्ड नहीं हो सकती, वाइल्ड एनिमल भी है ऑलरेडी डन. इंसेक्ट नहीं है. एम्फीबियन वी हैव ऑलरेडी डन. पेट एनिमल, क्या कैट पेट एनिमल है? इसे हम घर में रखते हैं, प्यार करते हैं? यस, काउ इज अ पेट एनिमल. तो यहां लिखेंगे हम ई. ठीक है, काउ सॉरी कैट इज अ पेट एनिमल. काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड कैट इज अ पेट एनिमल. नेक्स्ट आ जाते हैं रैट. रैट के बारे में बात कर लेती है. रैट क्या है? बर्ड नहीं है, वाइल्ड एनिमल हम कर चुके हैं, इंसेक्ट नहीं है रैट, एम्फीबियन भी नहीं है, पेट एनिमल भी नहीं है. रैट कैन बी पेट एनिमल. लोग व्हाइट रैट पालते हैं ना, दे कीप रैट एज पेट एनिमल, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए हम पेट एनिमल की कैटेगरी में नहीं देख रहे हैं. अक्वाटिक एनिमल भी नहीं, पानी में नहीं रहता है. इट इज नॉट इवन अ रेप्टाइल, रेंग रेंग की क्रॉल करके नहीं चलता है. डोमेस्टिक एनिमल भी नहीं है, तो फिर क्या है? रॉड है. रैट इज अ रॉड. आई, यहां पे आप लिखेंगे आई. रैट इज अ रोडेंट. नाउ नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड. यस, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है और ये उड़ नहीं सकता. ये बर्ड उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस है. इट कैन रन वेरी फास्ट बट इट कैन नॉट फ्लाई. तो यहां हम लिखेंगे ए. ऑस्ट्रिच में हम लिखेंगे ए. नेक्स्ट है मस्किटो. मस्किटो क्या है? क्योंकि ये दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं अंडरलाइन करते जा रही हूं जिसको हम कर चुके हैं. तो मस्किटो इज एन इंसेक्ट. हमको पता है कि एक बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट है. यहां हम लिखेंगे सी, क्योंकि सी वाला जो नाम है वो इंसेक्ट है. नेक्स्ट इज लिजर्ड. एक बचा है लिजर्ड और वो क्या है फिर? लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, इट्स क्रॉल्स. तो ये हो गया जी. गॉट इट? और इस तरह से हमारा ये जो मैचिंग है वो कंप्लीट हो गया. आप एक बार देख लीजिए. डॉल्फिन एक्वाटिक एनिमल, एफ वाले नंबर पे ध्यान दीजिए. टॉर्टस नंबर डी पे है विच इज एम्फीबियन. वुल्फ इज बी विच इज वाइल्ड एनिमल. काउ
क्या है, एच है जिसका मतलब है डोमेस्टिक एनिमल, कैट ई है दैट इज पेट एनिमल, रैट आई है मतलब कि रोडेंट है, ऑस्ट्रिच ए इट इज मैच्ड विथ ए इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, मस्किटो मस्किटो इज एन इंसेक्ट दैट इज सी, एंड लिजर्ड लिजर्ड इज अ रेप्टाइल दैट इज जी. तो इस तरह से हमने मैचिंग कंप्लीट कर ली है. ओके नाउ विल डू अनदर एक्सरसाइज. अब दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, इसको रिलीज कर देती हूँ मैं. Now let's do another exercise. So the next exercise is about pick the odd one out. The name of this exercise is pick the odd one out. इसमें क्या करना होता है? Pick the odd one out में either you can circle or you can put a tick mark or you can cross. जो सबसे अलग होगा ग्रुप में उसको आप या तो सर्कल कर दीजिए या आप उसे क्रॉस कर दीजिए या आप उसके ऊपर टिक लगा दीजिए. दैट इज व्हाई रिटन पिक. आपको बस उसको चूज करना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है ग्रुप से अलग है बिल्कुल. ठीक है, लेट्स डू इट. आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे फर्स्ट वर्ड है मैंने लिखा काउ, एलिफेंट, goat and horse. I have written the name of four animals: cow, elephant, goat and horse. Now what you have to do? Which one is not belonging to the group? इसमें से कौन सा animal है जो group को belong नहीं करता है, उसे आपको pick करना है. आपको या तो उसको circle कर दीजिए या उसको cross कर दीजिए या उसके ऊपर tick का निशान लगा दीजिए. अब देखिए कौन सा वाला है इसमें, एलिफेंट. एलिफेंट इज ऑड वन. एलिफेंट जो है वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है. कैसे नहीं करता है? क्योंकि जो बाकी एनिमल्स हैं वो सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. सिर्फ एलिफेंट एक ऐसा है जो वाइल्ड एनिमल है. एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल एंड रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट. Whale, dolphin, octopus. Whale, dolphin, octopus and chameleon. Whale, dolphin, octopus and chameleon. Now which one is the odd here? It is chameleon. Kaise ye odd hai children? Baki jitne bhi animals hai they are aquatic animals, they live in water. Ye sab pani mein rehte hain except chameleon. Chameleon is not a water animal, it is not a not an aquatic animal. Theek hai, next. Bat, whale, dolphin, duck. Now here which one is the odd one? इसमें से कौन सा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? Can you identify? Children, again the last one, that is duck. क्यों? आपको क्या लगता है बाकी में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों तो पानी में रहते हैं और बैट तो पानी में नहीं रहता है और कटिक नहीं है. स्टिल दे बिलोंग टू वन ग्रुप. कौन से ग्रुप के हैं ये? चिल्ड्रन, ऑल दीज एनिमल्स आर
mammal. Bat bhi mammal hai, flying mammal hai. Whale is also mammal, though it lives in water. Dolphin is also mammal, though it lives in water. ये दोनों पानी में रहते हैं पर ये mammal है. And bat is a flying mammal. तो ये तीनों mammal group के हैं, mammalia family के हैं. बस duck जो है वो एक bird है and it lays egg. Duck जो है वो अंडे देती है. ठीक? समझ में आ रहा है आपको किस तरह से group से अलग है? Next. इसमें से कौन सा वाला जो है वो ऑड है? Which one is odd? Children, here hen is the odd one out. क्यों? Because बाकी के जो सारे हैं वो क्या है? They are reptiles. Tortoise, crocodile and lizard. All these three animals are reptiles and hen is a bird. Hen जो है वो एक bird है. Next. Eagle, hawk, vulture, and which one is odd here? इसमें कौन सा ऐसा है जो ग्रुप से अलग है? Children, here sparrow is odd one out. It does not belong to the group. क्यों? क्या है तो सारे ही bird. Eagle भी bird है, sparrow भी bird है, hawk भी bird है और kite भी bird है. सब bird है. तो फिर sparrow कैसे odd है? स्पैरो इसलिए ऑड है क्योंकि ये सारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं. ये मांस खाते हैं, मीट खाते हैं. ईगल ऑल्सो ईट्स फ्लैश, हॉक ऑल्सो ईट्स फ्लैश एंड काइट ऑल्सो ईट्स फ्लैश. सिर्फ स्पैरो है जो ग्रेन्स, फ्रूट्स और सीरियल्स खाती है. तो सारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं और स्पैरो फ्लैश ईटिंग एनिमल नहीं है, फ्लैश ईटिंग बर्ड नहीं है. बाकी सारे जो बर्ड्स हैं ये फ्लैश ईटिंग है, इसीलिए ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है. ठीक है? Next, mosquito, earthworm, cockroach, housefly. Now coming to this, सारे ही insect हैं एक तरह के. वॉर्म या इंसेक्ट के नीचे और इसमें जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल दैट इज अर्थ वॉर्म. क्यों ऐसा? क्योंकि ये सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं. मस्किटो हमें डेंगू मलेरिया दे सकता है, हाउस फ्लाई कैन गिव अस डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कॉलरा एंड डिसेंट्री. कॉकरोच को खाने से भी वी कैन बिकम सिक. कॉकरोच के सॉरी टच, अगर कॉकरोच हमारे खाने को जूठा कर देता है और उस खाने को हम खाएंगे तो वी कैन फॉल सिक. तो ये सारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं. लेकिन अर्थवर्म इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन, इट इज इनफैक्ट वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है. तो ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है. बाकी सारे इंसेक्ट्स क्या है? हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं. है तो सारे ही इंसेक्ट पर यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे है? हार्मफुल इंसेक्ट्स की ग्रुपिंग है और इस ग्रुप को अर्थवर्म बिलोंग नहीं करता है. ठीक है? इरेज करते हैं इसको और अभी कुछ और करने हैं हमें. ये आपके सिक्स थे, फोर मोर वी हैव टू डू. टेन टोटल वी विल डू दिस ऑर्डर.
इसमें सबसे अलग कौन है, कौन सा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है. दिस इज ऑल्सो इजी इज इट. डॉग. ऐसा क्यों? बाकी सारे डोमेस्टिक एनिमल है और ये अकेला पेट एनिमल है, ऐसे भी देख सकते हो. दूसरा ग्रुपिंग कैसे है, मिल्च एनिमल है. काउ ऑल्सो गिव्स मिल्क, गोट ऑल्सो गिव्स मिल्क एंड बफलो ऑल्सो गिव्स मिल्क, लेकिन डॉग से तो मिल्क नहीं मिलता है. तो ये मिल्च एनिमल का ग्रुप है एंड द डॉग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, क्योंकि वो दूध देने वाला एनिमल नहीं है, है ना. तो ये सबसे ऑड है. यहाँ पर आप दो देख सकते हैं, इसको दो तरह से देख सकते हैं. कि डोमेस्टिक एनिमल के फॉर्म में देख सकते हैं कि ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और डॉग डोमेस्टिक एनिमल नहीं है. दूसरा, ये सारे मिल्च एनिमल हैं और डॉग जो है वो मिल्च एनिमल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. लायन, फॉक्स, टाइगर, डियर, ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स, इज इट. सारे एनिमल्स इसमें वाइल्ड एनिमल है. तो फिर फर्क क्या है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है और क्यों नहीं करता है. नहीं करता है वो तो पता है, पर क्यों नहीं करता है. चिल्ड्रन, हियर द ऑड वन इज डियर. डियर जो है वो ऑड वन है. क्यों ऑड वन है? क्योंकि बाकी सारे जो एनिमल्स हैं दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ये सारे मांस खाने वाले एनिमल हैं. सिर्फ डियर जो है वो मांस नहीं खाता है. इट ईट्स प्लांट्स, ग्रास, लीव्स. ठीक है, ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता. डियर डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप. ओके, नेक्स्ट. डॉग, क्रो, कैट, ज़ेब्रा. नाउ विच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप एंड व्हाई? कौन सा वाला है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है और क्यों नहीं करता है? डॉग है पेट एनिमल, कैट इज ऑल्सो पेट एनिमल, क्रो इज अ बर्ड एंड ज़ेब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल. तो क्या फर्क है इन सब में? कौन सा वाला है जो ग्रुप के लिए नहीं है, ग्रुप के साथ नहीं जाता है? एंड दैट इज ज़ेब्रा. क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बाकी के दोनों जो तीनों जो एनिमल्स हैं दे आर ओमनीवोर्स, मतलब ये प्लांट्स वाले वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं. क्रो इज ऑल्सो अ बर्ड विच इज ओमनीवोर, इट कैन ईट चपाती एंड इट कैन ईट वॉर्म्स एंड फ्लैश ऑल्सो, तो ये ओमनीवोर है. कैट कैन इज ऑल्सो ओमनीवोर, इट कैन ड्रिंक मिल्क, इट कैन ईट चपाती, इट कैन ईट वेजिटेरियन फूड एंड ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन फूड. सिर्फ ज़ेब्रा है जो प्लांट खाता है, इट इज नॉट ओमनीवोर. ज़ेब्रा इज नॉट एन ओमनीवोर. तो ये ऑड वन आउट है. ठीक है, नेक्स्ट. जी, हियर वी हैव mouse, rabbit, elephant and squirrel. Okay, we have four animals again, mouse, rabbit, elephant and squirrel. Which one is odd here? इसमें कौन सा वाला odd है? Children, elephant. क्यों ऑड है ये आपको बताना है. माउस स्मॉल एनिमल है, रैबिट इज ऑल्सो स्मॉल एनिमल एंड स्क्विरल इज ऑल्सो स्मॉल एनिमल, लेकिन एलिफेंट क्या है? बिग एनिमल है. ऑल द अदर थ्री एनिमल्स आर स्मॉल एनिमल एंड एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, सो इट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो एंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. We'll meet in another video with some more exercise. कुछ और exercise इस chapter की, इस topic की बची हुई है, वो हम करेंगे next video में. और इसके साथ ही ये video यहीं पर हम अब close करते हैं and we'll meet in the next video. You can note down this, okay?